लास्ट स्प्रिंग अनीस जंग की एक सुंदर रचना। खोया हुआ बसंत, इसके सेकंड पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। क्लास ट्वेल्थ के सेकंड प्रोज के सेकंड चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है, लास्ट स्प्रिंग का सेकंड पार्ट है। आइए देखें। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, कहा मुझे एक कहानी याद आती है जो उडीपी के एक आदमी ने एक बार मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय, जब वह लड़का था, युवा था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वह स्कूल जाते समय एक पुराने मंदिर से होकर गुजरता था। रास्ते में उसको एक पुराना मंदिर मिलता था। वेयर हिज फादर वाज अ प्रियस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह ब्रीफली मीन्स संक्षेप रूप में, थोड़ी देर के लिए वह मंदिर में ठहर जाता था, रुक जाता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था भगवान से। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके कस्बे में गई, एंड द टेम्पल, और मंदिर में गई। विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो अब उजाड़ के प्रभाव में डूबा हुआ था, उजाड़ हो गया था, वीरान हो गया था, निर्जन हो गया था। इन द बैकवर्ड, पीछे मंदिर के पीछे, इन द बैकवर्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता था, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक सलेटी रंग के गड़वेश में एक नवयुवक, छोटा सा बच्चा, यंग बॉय, बियरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे पहने हुए, अराइव्ड पैंटिंग, हाफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग पेट, और अपना स्कूल का बैग बस्ता फोल्डिंग पलंग पर फेंक दिया, पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मैंने याद किया, मुझे वह प्रार्थना याद आई। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आई द प्रेयर, वह प्रार्थना, एन अदर बॉय, दूसरे लड़के ने जो किया था, हैड मेड टू द गॉडेस, जो देवी माँ से प्रार्थना किया था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसे अंततः एक जोड़ी जूते मिल गए थे, पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लॉस देम, उसने प्रार्थना किया था कि मैं इन्हें कभी न खोऊं, लेट मी नेवर लॉस देम, ऐसा प्रार्थना किया था कि हे देवी माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इन्हें कभी न खोऊं, लेट मी नेवर लॉस देम, कि मैं इन जूतों को कभी न खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ ओर सूच, तो छोटे लड़के पुजारी के पुत्र की तरह, छोटे लड़के नाउ अब और सूज, जूते पहन रखे थे, तो छोटा लड़का
सन ऑफ द प्रियस्ट पुजारी का छोटा लड़का, नाउ और शूज, अब जूते पहन रखे थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, किंतु मेरे पड़ोस में कूड़ा करकट बीनने वाली वालों की तरह, रैग पिकर्स की ही तरह, कई अन्य मैनी अदर्स रिमेन शूजलेस, बिना जूते के ही रहते। माई अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस मीन्स परिचय, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। तो नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है। माई अक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पांव कूड़ा बीनने वालों के साथ जो मेरा परिचय है, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी लेके जाता है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है, पेरीफेरी पर है, सीमा पर है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी यह मीलों दूर है। मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से यह दिल्ली से मीलों दूर है। दोज हू लिव हियर, वे जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो यहाँ के रहने वाले लोग, बसिंदे, यहाँ के बसिंदे गैर कानूनी बसिंदे हैं जो सन 1971 में बांग्लादेश से आए थे। दोज हू लिव हियर, वे जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वाटर्स, स्क्वाटर्स हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग देम, साहेब का परिवार उन्हीं में से है, उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वाज देन वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय बीहड़ था, वीरान था, निर्जन था। इट स्टिल इज, यह अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर यह अभी खाली नहीं है, अब इसमें लोग बस गए हैं, अभी बीहड़ नहीं है, निर्जन नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, तो मिट्टी के बने कच्चे घर, स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, मड मीन्स कीचड़ अर्थात मिट्टी, मिट्टी के बने घर, विथ रूफ्स ऑफ टिन, जिनकी छत टिन की है, एंड टारपाउलिन, और तिरपाल जिनकी छत है। तो मिट्टी के बने घर जिनकी छत टीन के और तिरपाल के हैं, डिवाइड अप सीवेज, सीवेज से वंचित हैं, नाली विहीन है, ड्रेनेज जलापूर्ति नहीं होती है, और रनिंग वाटर या इन नालियों में पानी नहीं बहता। लिव 10,000 रैग पिकर्स, तो इन घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। मिट्टी के बने कच्चे घरों में, जिनके छत टीन से या तिरपाल से छाए गए हैं, बने हैं, इन में नालियां नहीं हैं, सीवेज नहीं हैं, पानी की सप्लाई नहीं है, और इन्हीं घरों में 10,000 रैग पिकर्स, कूड़ा बीनने वाले रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय से बिना पहचान के रहते हैं। विदाउट परमिट्स,
बिना परमिट के रह रहे हैं, बट विथ राशन कार्ड्स, परंतु इनके पास राशन कार्ड है, दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, जिस पर उनके मतदाता सूची में नाम शामिल हो जाता है, दैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर्स, जिससे उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाता है। शायद अनीस जंग ये कहना चाह रही हैं कि इनके राशन कार्ड बने हैं, ये वोटर तो हैं, वोट तो देते हैं, लेकिन जिनको चुनते हैं शायद इनकी नज़र इन पर नहीं पड़ रही है। देयर नेम्स ऑन वोटर्स, तो मतदाता सूची में उनका नाम पहुंच जाता है, वोटर्स लिस्ट, एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वे अनाज खरीद पाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, भोजन अधिक महत्वपूर्ण है फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। देन एन आइडेंटिटी, पहचान की तुलना में जीने के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण होता है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, कहा यदि दिन के अंत में शाम को वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवारों को भोजन दे सकते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर जा सकते हैं, विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द किए, अर्थात भोजन से पेट भरा हो, भोजन के लिए पेट दर्द न कर रहा हो, तो वी वुड रादर लिव हियर, तो हम यहाँ अपेक्षाकृत अधिक पसंद करेंगे यहाँ रहना, देन इन द फील्ड्स, अपेक्षाकृत खेतों में रहने की तुलना में यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें भोजन नहीं देता। कहने का तात्पर्य है कि इनके पास अपना खेत नहीं होगा जहाँ वे अनाज उगा सकें, तो वहाँ खेत में रहने से इनको भोजन तो मिलेगा नहीं। अगर यहाँ रहने पर इनको भोजन मिल रहा है, दो वक्त की दो जून की रोटी मिल जा रही है, तो यहाँ रहना पसंद करेंगे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टाटर्ड सारीज, तो एक फटी हुई साड़ी पहने एक स्त्री बताती है, कहती है, क्या कहती है कि फैन आई आस्क देम, कि जब मैं उनसे कहती व्हाई दे लेफ्ट, अच्छा कहानी वक्ता ने कहा कि जब मैं उनसे पूछती हूँ व्हाई दे लेफ्ट दियर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, कि आपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को क्यों छोड़ दिया, वेयर एवर दे फाइंड फूड, तो बताती है कि जहाँ कहीं उन्हें भोजन मिल जाता है, दे पिच दियर टेंट्स, वे वहीं अपना तंबू गाड़ देते हैं, दैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स, और वही उनका स्थाई घर बन जाता है, स्थाई निवास बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इन्हीं में बड़े होते हैं, इन्हीं तिरपाल में बड़े होते हैं, टीन की बनी छतों में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और अस्तित्व के साझेदार बन जाते हैं, अर्थात रोजी रोटी कमाने में वे अपने बड़ों का साथ देने लगते हैं, साझा हिस्सा देने बटाने लगते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रॉक पिकिंग, और सीमापुरी में उत्तरजीविता आजीविका कमाने का मतलब है
रॉक पिकिंग कूड़ा बीनना। थ्रू द ईयर्स वर्षों की अवधि में इट हैज अक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, इसने ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, धन है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोजी रोटी है, आजीविका है। अ रूफ ओवर दियर हेड्स, उनके सिर पर छत। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, उनके सिर पर सिरों पर छत है, भले ही यह टपकती हो, चूती हो, बट अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, किंतु एक बच्चे के लिए टीन की छत या तिरपाल से कहीं ज़्यादा है। उसके लिए ये उसका अपना पैराडाइज है, स्वर्ग है। बच्चों के लिए अपना घर अपना स्वर्ग होता है। तो भले ये रॉक पिकर्स हैं, तिरपाल में या टीन के बने से छाए गए घरों में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, लेकिन यही उनके लिए बेटर है, उससे ज़्यादा है, घर से कहीं ज़्यादा है, ये उनका स्वर्ग है। प्रिय छात्रों, आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।